एक और हॉरोस्कोप देख लेते हैं। एक देखिए अभी ये 1952 की हॉरोस्कोप है 6 नवंबर की। अब ये ट्राई करते हैं मैरिज कब है, कब हुई होगी, ऐसे ट्राई करते हैं। रूल वही रहेगा रेड और ग्रीन, तो कौन से रेड रहेंगे या विच विल डिनाई मैरिज इज 1, 6, 10। विच आर पॉजिटिव फॉर मैरिज 2, 7, 11। ठीक है ना, बस सिंपल सा। तो इसमें देख लेते हैं कि जैसे केतु है, ये ऊपर की लाइन है, ये दोनों हो गया बेटा, 10 रेड 11 ग्रीन, 110 रेड, नीचे न्यूट्रल, ग्रीन रेड कर दूं या आप ऐसे ही पकड़ लो, कर दूं क्लैरिटी का। अब ये देखना केतु ग्रीन रेड और ब्लैक, इसके अंदर एक कलर हो रहा है ब्लू, तो ब्लू जो है 5 और 9 है, वो 2, 7, 11 के फ्रेंड्स है, उन पे आप ध्यान मत देना, आपने सिर्फ ग्रीन और रेड पे देना। 5, 9 पे कब देना है वो मैं अभी बता दूंगा बाद में। पहले मैरिज देखेंगे, केतु इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वीनस सन पॉजिटिव, राहु मरकरी नेगेटिव, शनि मार्स, ये 2 ग्रीन है, नीचे 1, 10 आ गया, तो ये नेगेटिव हो गया। अब आ गया जुपिटर, जुपिटर में ये दोनों पॉजिटिव है, नीचे ये नेगेटिव, कम और मतलब ये जो मरकरी और सैटर्न और ये राहु वगैरह, ये तो रेड ही रेड है, वीनस केतु रेड ही रेड, लेकिन इसमें हल्की सी जा रहा है। स्ट्रेंथ कितनी है कितनी नहीं है इसका मैं मेथड भी बताऊंगा आपको, अभी तो आपको जनरल ओवरव्यू मिल रहा है, अभी मैं मेथड भी उसका बताऊंगा कि इसकी पावर हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट है, लेकिन ये आपको क्लियर है ये बड़ा वीक है, ये तो क्लियर बात। सर थोड़ा इधर ही रहना पड़ेगा सर, कोई बात सर, कोई बात। तो ये दोनों प्लैनेट इज पॉजिटिव, नक्षत्र इज पॉजिटिव, सब लॉर्ड इज नेगेटिव, दे आर इन फाइटिंग इन साइड द हाउस, मदर के साथ बाप और बेटा बोल रहे हैं हमने शादी करनी है और माँ जाती नहीं है। अब आ जाते हैं हम मून पे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव ये 1 पॉजिटिव। अब नक्षत्र डबल नेगेटिव है, ये इससे सब लॉर्ड सिंगल पॉजिटिव है, तो अब ये कौन जीतेगा दिस आई विल एक्सप्लेन। अभी उसको यार ठहर रोक लेते हैं, ये क्लियर हो गया कि ओनली प्लैनेट क्लियरली पॉजिटिव इज सन, दीज टू आर वेरी वीक एंड अदर्स आर नेगेटिव, दे कैन नॉट गिव मैरिज। तो क्लियर सी बात होगी कि जुपिटर की दशा अगर आती है जीवन में, देखते हैं कब आएगी, कि ये 1952 का बर्थ है, तो इसमें जुपिटर या सन या मून का जो पीरियड है उसी में कुछ पॉसिबिलिटी है, तो क्लियर है। अब जुपिटर और मून तो बड़ा मुश्किल है, जुपिटर सन में पॉसिबिलिटी है, जुपिटर सन में क्यों है कि जुपिटर अगर वीक है तो कम से कम एक किसी में तो दम है, ठीक है, तो जुपिटर सन के पीरियड में शादी हो सकती है। जुपिटर सन, सन का पीरियड कब है, 7 जुलाई 71 से 21 जुलाई 78। अब इसमें शादी होगी तो होगी, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर जुपिटर मून में नहीं हो सकती, जुपिटर मार्स में नहीं हो सकती, जुपिटर राहु में नहीं हो सकती, मून में नहीं हो सकती, मार्स में नहीं हो सकती, राहु में नहीं हो सकती, फिर शनि की दशा में नहीं हो सकती, सैटर्न इज नेगेटिव, तो फिर वो पूरी दशा 19 साल की गई, फिर उसके बाद मरकरी में नहीं हो सकती, तो मरकरी नेगेटिव है, फिर केतु में नहीं हो सकती, वीनस में नहीं हो सकती, फिर सन की दशा आ जाएगी 2046 दिसंबर में, तब पॉसिबल है, तब तक उसकी जो उम्र है 94 साल हो जाएगी, 94 ईयर्स तक की एज हो जाएगी उसकी, फिर उसके बाद उम्मीद बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी प्रेडिक्शन होगी, ठीक है, उसकी मांग घर से बाहर निकाल देंगे।
बातें करेंगे. एनीवे मतलब दिस इज द ओनली थिंग विच वी सी फ्रॉम दिस हॉरोस्कोप. ये तरीका देख रहे हैं ठीक है. इसके मैं कैलकुलेशन जो अभी करेंगे थोड़ा मैं उसके लिए टाइम दे दूँगा. अब इसके बाद देखना है कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज ठीक है. अब लव के कई प्रकार हैं. क्या क्या प्रकार है लव के दिखाते हैं हम. एक होता है प्लूटोनिक लव. फाइव इलेवन. फाइव इज लव. इलेवन इज गेन ऑफ लव. पांच लव हो गया. ग्यारह गेन है तो लव अगेन हो. एक हो रहा है फिजिकल लव. फाइव ट्वेल्व. फाइव एट. ट्वेल्व क्या बेड. एट क्या सेक्स. लव इन्वॉल्विंग. फाइव एट का क्या मतलब हो गया लव इन्वॉल्विंग सेक्सुअल ऑर्गन्स. फाइव ट्वेल्व हो गया लव ऑन बेड. तो अगर फाइव ट्वेल्व फाइव एट बन जाएगा तो दिस बोथ आर फिजिकल लव. एक इसके बाद और लव है फाइव एट ट्वेल्व. स्कैंडलस लव. फाइव लव. एट इंसल्ट. बारह लॉस ऑफ रेपुटेशन. सो फाइव एट ट्वेल्व इज स्कैंडलस लव. फाइव एट ट्वेल्व का मतलब और भी है. एट इज सेक्स. ट्वेल्व इज बेड. तो लव इन्वॉल्विंग सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑन बेड वो भी है. फाइव इज लव. एट इज सेक्स ऑर्गन्स. तो उसमें लव में सेक्स ऑर्गन्स भी है. कुछ गलत ठीक नहीं होता. इससे मतलब नहीं है. मतलब यह है कि इसके अंदर ऐसा होगा और इसके अंदर इंसल्ट होगा. इंसल्ट कौन करे. लड़का लड़की अगर प्यार करते इंसल्ट कौन करता है कि वो लड़की किसी और को नहीं मिली इसलिए इंसल्ट हो गया. एक लड़की मोहल्ले के अंदर चार लड़के. वो लड़की एक लड़के के साथ पीछे मोटरसाइकिल पर चली गई तो बाकी तीनों क्या करेंगे. जो लड़के को करना चाहिए वही करेंगे. बदमाश लड़की घूमती फिरती है मेरे साथ ही घूमती. चारों के साथ घूमेगी फिर ठीक है. तो सती सकते. तो जब वो लव अफेयर दूसरों के आंखों में खटकने लग जाएगा दैट इज कॉल्ड स्कैंडल्स लव. अब मोनिका लेविंस्की उसका लव अफेयर है बिल क्लिंटन से जो भी. मैं तुम्हें क्या लेना है यार. वो जाने क्लिंटन जाने. मैं क्यों हिंदुस्तान में बैठा मैं खाम खा. एक्चुअल में तो यही बात है ना सर. लैला मजनू का प्यार है मेरे को क्या लेना है. मैं अपना कंसेंट्रेशन कहीं और लगाऊं. लेकिन जब फाइव एट ट्वेल्व आएगा तो स्कैंडल बनेगा ही. इससे पहले एट ट्वेल्व कहाँ आए थे जब स्कैंडल बना था तब वन सिक्स टेन के साथ आए थे. तो उसने डाइवोर्स को स्कैंडल बना लिया. ये एट ट्वेल्व जिस हाउस के साथ जुड़ते हैं उसका स्कैंडल कर देते हैं. ये ब्रश लगाए. अगर अकेले अकेले हैं फिर कोई बात नहीं. लव अफेयर है उसमें क्या समस्या है. उनका लव अफेयर है हमें क्या लेना देना भाई. अगर किसी की लड़की किसी लड़के के साथ घूमने जाती है मुझे क्या लेना देना. लेकिन अगर बहुत ज्यादा लोगों को लेना देना हो जाता है तो इसका मतलब उन दोनों का एट ट्वेल्व चल रहा है. उनकी बेइज्जती अगर हो रही है तो उनका फाइव एट ट्वेल्व चल रहा है. लेकिन फिजिकल लव अफेयर भी रहेगा. ये नहीं है कि वो है नहीं. वो होगा तो जरूर ठीक है. अब इसकी शादी नहीं हुई है. अब हमें इसमें लव देखना है. लव है या नहीं. शादी अलग चीज है. आप समझा रहे थे आप पटियाला से हैं. और लव अफेयर अलग सेक्सुअल रिलेशनशिप अलग चीज है ठीक है. कहले साहब तो ध्यान रखिए. आप भी पटियाला से इसीलिए याद कर रहा. अब मरकरी में अब फाइव एट है. इसमें ऐसे देख सकते हैं फाइव एट. ये जितने भी कम्बिनेशन है इनका एंटी कम्बिनेशन नहीं है. जैसे टू सेवन इलेवन का एंटी क्या वन सिक्स. इनका कोई एंटी नहीं है. ये है तो है. ये है तो है. और ये कैसे भी कनेक्ट पड़ जाएगा. जैसे ऐसे कनेक्ट पड़ेगा फाइव एट. फाइव एट
5, 8, 5, 8, 8, 5, 8, 5. अब क्या चल रहा है पीरियड हमने देखना है। ऐसे भी भाई को ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। अच्छा, कैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं है तो है, बस ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे दिखना चाहिए। ठीक है, लड़का लड़की प्यार करते हैं, हमें दिखना चाहिए, हम तो शुरू है वो होना। तो ये जो हो गया, ये पीरियड चल रहा है मरकरी राहु वीनस। ठीक है, तो हमने देखना मरकरी में आया नहीं है, राहु में आया नहीं है, वीनस में आया नहीं है। अगर हमने आया तो बस ऊपर, हमें उम्र नहीं देखनी। 1952 का बर्थ है, आज क्या है 2014, हमें इसके 62 साल से कोई लेना देना नहीं। ये एक और मारा बोला, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। कास्केड कल्चर उम्र को जाना दे, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता। तो ऑपरेशन हुआ भी तो आपने नहीं बताया था चीनी का। ये जो प्लूटोनिक लव अफेयर है, ये किस टाइप का लव अफेयर है? ये माँ का बेटे के साथ, भाई का बहन के साथ, किसी लड़के का किसी लड़की के साथ भी हो सकता, उससे कोई नहीं। लेकिन इसमें इंटेंशंस बड़ी सिंपल सी क्लियर है, इसमें कुछ नहीं चाहिए। दे जस्ट वांट दैट पर्सन शुड बी हैप्पी, और मेरे वो ख्यालों में होना चाहिए, मैं उसके ख्याल में बात से कुछ नहीं चाहिए, इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। तो पुत्र तो ठीक है, कभी आ जाए कर, बोलते मम्मी काम बहुत है मैं आ नहीं सकता, बोलते पुत्र 5 साल हो गए मम्मी टाइम नहीं है, तो ठीक है ना पुत्र, ठीक चल मदर इज हैप्पी, ही इज ऑल राइट, दैट इज प्लेटोनिक। अब ये क्या खत्म हो सकता है? क्या मीरा का प्रेम भगवान कृष्ण के लिए कभी खत्म हो सकता है? ये खत्म नहीं हो सकता, ये सारे खत्म हो सकते, दे कैन ब्रेक, दिस कैन नॉट ब्रेक, दिस इज नॉट ब्रेकेबल। शीशा हो या दिल हो, आके टूट जाता है, नीचे वाला ऊपर वाला नहीं है, वो प्रेम चोपड़ा वाला डायलॉग है, वो बड़ा जो शीशे को पत्थर से तोड़ता हूँ वो फाइनल, नीचे वाले दोनों शीशे वाले हैं। शीशा हो या दिल हो, आके टूट जाता है, टूटना है, टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता, इट इज पॉसिबल। पहले टूटने से पहले इसको हिडन वाला लाव फिर कहा जाता है, हिडन। एक और होता है छुप छुप के, छुप छुप के चोरी रे चोरी, छुप छुप के, छुप छुप के, ये है खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं करेंगे हम दोनों, छुप छुप के चोरी रे चोरी हो रहा है। चार ये वाला तो छुप ही नहीं सकता, ये तो खुल्लम खुल्ला खुद ही कह रहे हो, लेकिन ये हिडन लव कह रहा है, दिस कैन हाइड। अगर इसमें चार जाता है, चार कौन सा हाउस है? पताल का हाउस, हिडन एक्टिविटीज। तो चार जुड़ जाएगा तो हिडन लव अफेयर हो जाएगा, चार है अब इसमें आपको दिख जाएगा। हिडन लव अफेयर का कोई मैंने एक्चुअली इधर तो बनाया नहीं हुआ, इधर हिडन है, चार पांच आठ, चार पांच आठ, चार आठ पांच, 5, 4, 8, 5, 4, 8। ये छुप छुप के, छुप छुप के चोरी ने चोरी। अब टूटेगा कैसे? जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। ठीक है, तो उसमें छिक्की लगानी पड़ेगी, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, 5, 6, 8, 5, 6, 8, 5, 6, 8, 5, 6, 8, 5, 6, 8, 5, 6, 8. क्या मतलब है? दिस फेलो इज इनटू स्मॉल टाइम लव, शॉर्ट एनकाउंटर्स, शॉर्ट एस एच ओ आर टी। व्हाई? क्योंकि इसका जब पहला होगा तो ज्यादा चलेगा, फिर दूसरा हो जाएगा फिर वो भी नहीं चलेगा, तीसरा हो जाएगा फिर वो भी नहीं, फिर उसको आदत पड़ जाएगी कि ऐसे ही होता है, उसके दिमाग माइंड वैसे हो जाएगी, होते ही ऐसे। जिनके नहीं ब्रेक होते वो उसी के लिए रोते रह जाते हैं, अमीर है वो एक के लिए रोती रहेगी, वो क्या नाम है, किशन, वो छोड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो प्लूटोनिक था, वो टूट सकता ही नहीं।
लैला को मजनू ही चाहिए, मजनू को लैला ही चाहिए, कमाल हुआ। बाकी तरफ देख और भी रहने चाहिए, बट उसको नजर नहीं आएगी, उसको एक ही नजर आएगी अगर उसका ब्रेक। समझ रहे हो? अब आ जाते हैं हम जो सुबह पढ़ाया था, वो था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस एंड प्लैनेट्स। अब वहाँ गेम बन जाएगी। सर आपने एक क्वेश्चन है, 8-12 का कहा कि किसी भी घर के साथ अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो स्कैंडलस बन जाएंगे, तो 5 का तो आपने दे दिया, कोई और एग्जांपल देंगे? नहीं, वो आता जाएगा घर के साथ। अच्छा। सर आता जाएगा, प्रॉपर्टी के साथ लग जाएगा तो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट पड़ जाएगा। ओके, और तीन के साथ जुड़ जाएगा तो कम्युनिकेशन में पंगा पड़ जाएगा। तो तीन क्या मतलब हो जाएगा कि कोई ना कोई वो हो जाएगा, क्या नाम है, धोखा हो जाएगा। तीन कम्युनिकेशन का था सर, वो चेक है और जो दिया वो चेक फोर जो फोर्जरी हो जाएगा। इस तरह सब पे आ जाएगा। अभी अभी देखना, अभी आगे चलते हैं, अभी तो शुरुआत है। अब ये हो गया ब्रेक और क्या रहा? हाँ, सुबह वाली बात में। अब सुबह वाली बात क्या है, मैंने क्या बताया था, राहु केतु शनि क्या होते हैं, आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर, आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर कौन होते हैं, कौन होते हैं? नहीं, राकेश, बस इतना याद, राहु केतु शनि, राहु केतु शनि, इतना लंबा नहीं क्या, शॉर्ट। राकेश इज आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर। तो अगर लव अफेयर इसके पीरियड में होता है तो क्या होगा, आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर होगा, या एल्डर इन एज, आउट ऑफ कास्ट एल्डर। अब इसका क्या क्या पीरियड चल रहा है, मरकरी में राहु, इसका मतलब आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर, ठीक है। इसके बाद मरकरी, मरकरी का मतलब है मल्टीप्लिसिटी एंड यंगर इन एज, यंगर है प्रिंस है, ठीक है। तो किसी यंगर से किसी आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर के बंदे से लाभ चलता है, दिस वी कैन टेल। ये आपके छोटे मोटे होते रहते हैं, आजकल भी छोटे मोटे हो रहे हैं, होते होते टूट जाते हैं, कुछ दिन चलते हैं, लेकिन आजकल जो डिटेल ये है कि वो आपके कास्ट के नहीं है, आपसे छोटी उम्र का है। छोटी उम्र का मतलब है काफी छोटे उम्र, काफी छोटी उम्र का मतलब यह है कि एलिजाबेथ टेलर नाम से दर्जी थी, वो दर्जी थी टेलर, पता नहीं सर मेरे को याद नहीं, लेकिन लास्ट वाली जो थी वो 37 इयर्स का था, ये 60 की थी। हाँ वो तो सर उसका नाम है भूल गया, मेरे को एलिजाबेथ टेलर ही याद है सर। तो फिर ये जो है एज जो डिफरेंस रिमार्केबली ज्यादा रहता है, साल 6 महीने का कोई बात नहीं है। लड़के की उम्र 40 साल है और लड़की जो है 36-35 की है, वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो है अगर फीमेल 50 की है और लड़का 35 का है 40 का है तो वो ये चल जाएगा। तो ये मतलब, तो लव अफेयर अभी जो मैंने पढ़ाया, अभी अभी और आगे बाकी हैं, प्लूटोनिक 5-11 हिडन 4, इसको तो हिडन की जरूरत नहीं होती, ये ब्रेक भी नहीं हो सकता। फिर होगा 5-12 5-8 फिजिकल लव अफेयर, 4 जुड़ जाएगा हिडन लव अफेयर, 6 जुड़ जाएगा ब्रेक हो जाएगा, 5-8 12 स्कैंडलस लव अफेयर, 6 जुड़ जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, ये हिडन नहीं हो सकता स्कैंडलस, तो खुला ही। फिर राकेश में है, अगर राकेश की बहुत आया था राहु शनि समथिंग, शनि केतु समथिंग, तो ये आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर एल्डर। मरकरी है तो यंगर, और जुपिटर है तो एक के साथ एक फ्री की स्कीम, जुपिटर है तो टू, मरकरी है तो मल्टीपल, मर्करी एज मल्टीपल और यंगर, जुपिटर एट 2 एक के साथ एक फ्री की स्कीम, सुबह किससे मिल रहा, शाम किससे, दोपहर किससे, इस टाइप से, तो वो जुपिटर। बाकी जो प्लैनेट्स है वो नॉर्मल है, उस पर कुछ नहीं बोल, सन मून मार्स बाकी वीनस वो नॉर्मल है।
नॉर्मल, इसमें समथिंग स्पेशल, ठीक है। और ये वाली जो मैरिज है ये भी लव मैरिज है, जो हमने पहली और उसको की थी 5, 8, 12, इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं। अब यहां ब्लैक है, मैरिज के केस में ब्लैक है, लेकिन लव अफेयर है, ठीक है। तो ये लव अफेयर है, और अगर 3 जुड़ जाता है तो ये नेबर हो गया, आइदर नेबरहुड और ऑलरेडी कनोन। ऑलरेडी कनोन का मतलब ये होता है कि जैसे दूर की रिश्तेदारी में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, कहीं दूर के फ्रेंड सर्कल में कभी मिले हो, या फिर नेबर हो, और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद ऐसा बात बन जाए। और 3 हो और मरकरी हो तो पड़ोसन है, पड़ोसन नहीं है, पड़ोसन की बेटी है। 3 हो और मरकरी हो तो यंगर, मतलब पड़ोसन की बेटी है। 3 हो और आओ के तू शनि हो तो पड़ोसन की माँ है। मम्मी 3, 5, 8 नहीं, हाँ 3, 5, 8 तो ऑलरेडी नोन है नेबरहुड में, लेकिन यही शनि की दशा है और राहु की भुक्ति है तो पड़ोसन की माँ है। 3, 5, 8, 3, 5, 12 और अगर यही मरकरी है तो पड़ोसन की बेटी है, पड़ोसन या किसी नोन की, या नोन की दूर की रिश्तेदारी की, ऑलरेडी नोन की बाजू वाली ऐसे कहते हो, ठीक है। तो ये अभी लव अफेयर है, अभी इसके आगे वाले लव अफेयर। हाँ जी, बुक में मेंशन है। इसके बाद डकैती पढ़नी, डकैती आगे के लव अफेयर में डकैती पढ़नी पड़ेगी हमें। डकैती कैसे, डकैती क्या होती है, कैसे होती है डकैती, कैसे होती है बेटा? कोई जबरदस्ती, हमारे वैल्यूएबल्स को ले, हमारे खुद के हाथों से, हमारे खुद के हाथों से हमें पर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके ले हमारे सामने और हमारे से छीन ले। तो इसके लिए वो क्या करेगा, पहले एक AK-47 ले लेगा या रिवॉल्वर लेगा, तो धमकाएगा, तो कैसे करेगा, ऐसे करेगा, दीदी 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 ये मेरे को दे दो, नहीं माँ दी बहन दी ऐसे ना, एग्जाम चलानी नहीं है, दिखानी है, दिखानी है ना, तो एक दिखानी है। तो 7 लगेगा, 7 मतलब ओपन एनिमी। तो 3 टाइप के एनिमी होते हैं, 6 एनिमी नोन, जैसे पाकिस्तान इज अ नोन एनिमी एग्जांपल के तौर पर, चाइना इज अ नोन एनिमी, बट जिस दिन वॉर शुरू हो जाती है तो ओपन एनिमी। 12 इज हिडन एनिमी, छुपा हुआ, अमरीका बनता तो दोस्त है लेकिन आर्म्स एमिनेशन सारे मिलता है पाकिस्तान, हिडन एनिमी। तो 7 इज ओपन एनिमी, 8 इज इंसल्ट धमकाएगा आपको, 12 इज लॉस। तो जब 7, 8, 12 होएगा तो क्या होएगा, डकैती। कैसे, 7 ओपन एनिमी, 8 वो आपकी बेइज्जती करेगा, दीदी दीदी जो धमका रहा है बेइज्जती करेगा ना, और फिर हो सकता है वो बांध भी दे आपको, तो इट इज एन इंसल्ट। और 12 फिर वो आपसे जबरदस्ती चाबी ले लेगा, कीज ले लेगा, जो भी आपसे लेके, और ये फोन करके तो आएगा नहीं, अचानक आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो इसमें राहु केतु में से एक की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, दशाओं के अंदर राहु या केतु में से एक, ठीक है। अब इसके बाद आएगा डेकोइटी ऑन सेक्सुअल ऑर्गन्स, वीनस और दशा होती है, इसके बाद है इफ 7, 8, 12 इज इन मेजॉरिटी प्लैनेट्स,
मतलब ये जो प्लैनेट्स थ्योरी दिखाए थे, अगर मेजॉरिटी प्लैनेट में होगा तो इसका मतलब डिफरेंट है। इसका मतलब है बिजनेस ऑफ सेक्स ऑन बेड। 7 इज बिजनेस, 8 इज सेक्स, 12 इज बेड। रोज तो डकैती हो नहीं, रोज रेप भी नहीं हो सकता। रोज तो अचानक थोड़ा, रोज तो कोई ना कोई, तो फिर इसका मतलब बदल जाएगा। दिस इज बिजनेस, 7 का मतलब ओपन एनिमी की जगह बिजनेस हो जाएगा, 8 सेक्स हो जाएगा, 12 बेड। बट इंसल्ट रहेगी, इंसल्टिंग तो रहेगा ही रहेगा। कमर्शियल सेक्स इज ऑलवेज इंसल्टिंग, इट इज नॉन इंसल्टिंग नहीं हो सकता, ठीक है ना। 8-12 लग गया सर, 8-12 हो रहा होगा जो कि ना सेक्सुअल और ये ऑफ नाइन राव के तो सवाल नहीं, राव के तो प्रश्न है, 5-6+9। तो ये 7-8-12 जो है ये वर्स्ट चीजें हैं। अब 7-8-12 और 5-8-12 में 5 और 7 का ही फर्क है, लेकिन इसमें मजा आता है, इसमें मजा नहीं आता, मजा नहीं आया। पेड सेक्स कभी मजा नहीं आया, ठीक है, रेप में कभी मजा नहीं आया और डकैती में कभी मजा नहीं आया। तीनों चीज, ना डकैती करने वाले को मजा आएगा, ना किसी को डकैती जिस पे होगी उसको मजा आएगा, रेप में भी दोनों को मजा नहीं आएगा और कमर्शियल सेक्स में दोनों को मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर 5 जो है वो नहीं है। 5 है मजा, मजा एक ही चीज में आता है, लव, जिसके अंदर आपका पैशन हो, जिसके हाथ में आपका इंटरेस्ट हो, जो चीज दिमाग में घूमते हैं। जैसे मीरा को मजा है, भगवान कृष्ण मेरे आराध्य देव है, उसको मजा आना, जो आराध्य देव है तो यूं ही सकते हैं मजा। और जब रैप म्यूजिक चलता है तो फिर टांगे चलती है, फिर सिर नहीं चलता, फिर लोअर पोर्शन चलता है हमेशा। आध्यात्मिक चीज होती है तो आध्यात्मिक चीज चलेगी, ऊपर वाली चीज चलेगी, और जो अर्धी एलिमेंट है वो नीचे चल जाएगा, जो रैप म्यूजिक होगा या पॉप म्यूजिक होगा। तो ये पॉप म्यूजिक है सारे के सारे, ये रैप है थोड़ा, ये थोड़ा सा 5-11 जो है वो बिल्कुल ही मस्त है, आध्यात्मिक मस्ती है, ठीक है। अब 5-8-12 के साथ अगर साथ आ जाएगा फिर क्या होगा, अगर सबको मिक्स कर दो, 5-8-12 7-8-12 को मिक्स कर दो, 5-7-8-12 है ना, तो लव भी होगा लेकिन कमर्शियल भी चलेगा। और 11 जुड़ जाएगा तो क्या होगा, तो गेन ज्यादा हो जाएगा। इसमें गेन नहीं है, 11 नहीं है, दैट मींस जो कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है उसमें दोनों को बेनिफिट नहीं है, फाइनेंशियल बेनिफिट किसी को नहीं है, जिसने पैसा दिया है या जिसने पैसा लिया। इट इज जस्ट अ कमोडिटी एक्सचेंज, मतलब जैसे मोबाइल है, मैंने खरीदा 30,000 रुपए का, मैंने 30,000 रुपए का भेज दिया, तो कोई बेनिफिट नहीं है ना सर उसका। लेकिन जब 5-7-8-12 के साथ 11 जुड़ जाता है तो गेन होता है, तो पैसा ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसमें 3 डालना पड़ता है फिर साथ में, उसके बिना नहीं मिल सकता। 3 क्या होता है, शो बिजनेस। जब तक उसके पीछे बहुत ज्यादा नहीं पड़े हुए होंगे तब तक उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ती किसी भी चीज की, क्योंकि ये कमोडिटी है, अल्टीमेटली ये कमोडिटी है। इफ कमोडिटी इज अवेलेबल बट उसके लेने वाले खरीदार ज्यादा है तभी कमोडिटी का पैसा जाता है। तो 5-7-8-12 क्या क्या मतलब हो गया, 5 इज शोइंग द चांस इलेवन इज एडवर्टीजमेंट
सेवन एट ट्वेल्व तो ये लिखा हुआ है मैंने, क्या है ये दुनिया पित्तल की से, ये दुनिया पित्तल, थ्री इलेवन क्या है एडवर्टाइजमेंट, और थ्री इलेवन क्या है, थ्री क्या क्या मतलब था कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन है हेलो कॉल इधर, गेटिंग मोर मनी आउट ऑफ दिस बिकॉज शी नो हाउ टू सेल, एंड ये उसमें उसको सेल करने का अदा है, और उस अदा पे तीन क्या ना, क्योंकि सब देख रहे हैं तो होल्ड लगी हुई है, पहले मेरे को चाहिए पहले मेरे को चाहिए, बट मोटे तौर पे ये जो सेवन एट ट्वेल्व है, वेदर इट इज डिपाइटी और इट इज रेप और इट इज पेड सेक्स ऑल आर एग्रेशन, बिना भावनाओं के काम हो रहा है, सब काम बिना भावनाओं, ये तीनों भाव कामों में भावना नहीं, जब तक भावना नहीं है तब तक एंजॉयमेंट नहीं हो सकती, बट इसमें भावना नहीं, देयरफॉर इट इज अग्रेशन, ऑल थ्री इज अग्रेशन, वन है ये टू वन सिक्स एट जी सर, वन है ना जी सर, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं रिलेटेड टू द नेचर, एवरी बॉडी इज अग्रेसिव, किसी को भी थप्पड़ मारोगे उल्टा थप्पड़ ही पड़ेगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग यहाँ गांधी होते, गांधी खुद नहीं खाया थप्पड़ तो वो भी बोल सकता था कि भी एक थप्पड़ खाओ दूसरा गाल आ जाएगा, तो थप्पड़ पड़ने पता चलता, लास्ट वाला नहीं था अभी बता रहा हूँ सर सारे, या फिर केजरीवाल हो तब इसको थप्पड़ खा सकता है, वो रे रस्त होती रे लोग, नहीं तो अगर थप्पड़ मारो या किसी को कुछ बोलो तो गुस्सा आता दूसरे, हर एक को आता, किसी को कम आएगा किसी को ज्यादा, अफगानिस्तान में फर्क होगा गुजरात में फर्क होगा, ये अलग बात है, लेकिन आता सब ये नहीं कहते गुजराती को कभी नहीं आता, एग्रेशन हो गया, एक है डिप्रेशन, डिप्रेशन आप समझते हैं, जिनको नहीं हुआ वो नहीं समझ सकते, जिनको होया वही समझ सकते, लेकिन ये है कि आदमी का जीने की इच्छा नहीं करते, फिर उसको यही लगता है कि बस अब छोड़ दे, हाँ ये ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है ना, वो ठीक है दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, मुकेश का गाना है
मुकेश का है, ठीक है, ठीक है, तो केएल सर जल जलता है तो जल नहीं, नहीं, मुकेश वो मुकेश का, हाँ मैं कंफ्यूज हूँ, हाँ वो बेचारा ऐसे ही वो दारू पी के मार गया था, ये दिल्ली टूट गया था उसका। संजीव कुमार का भी यही हुआ, और किसका हुआ, वो गुरुदत्त बेचारा भी वो वही दारे मान के चक्कर में बेचारा 2168 हो गया। क्या हाँ ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है भाजी, तो ये 2168 जो होता है इसमें ऐसे हो जाता है। दारू वाली बात बाद में बताएंगे कि दारू पीड़ी नहीं पी, तो जब वो ज़्यादा चल हो जाता है 2168 देन द पर्सन ट्राइज टू कमिट अ सुसाइड, उस पर बाद में चला जाएंगे, पहले हम डिप्रेशन की बात करें, फिर सुसाइड भी करा देंगे। फिर उसमें कई बार है कि सुसाइड करने का बंदा सक्सेसफुल भी नहीं होता, तो उसमें कब सक्सेसफुल नहीं होता, कब केमिस्ट उसको जो डुप्लीकेट दवाई दे देगा, उसके बारे में सब पे बाद में चर्चा करेंगे। पहले आते हैं डिप्रेशन का, ये कॉम्बिनेशन है, ये एग्रेशन का तो क्लियर हो गया आपको, ये लविंग एंड केयरिंग का 5-11 तो आपको मैंने बता दिया, प्लेटोनिक लव उसका लव है और गेन है। 9-5 का दोस्त है, आपको पता दो फैमिली है, ये कोल्ड नेचर है। कोल्ड नेचर समझते हैं सर आप, नाम जनानी बोले मैं कल हरी साड़ी पहनी थी कैसी लग रही थी, बोले आज तुमने साड़ी पहनी थी, फिर दूसरा बोले बीवी वो पप्पू गिर गया नीचे, उसके पैर में चोट आई है, बोले फिर मुझे क्यों फोन कर रही है, डॉक्टर के पास जा, नॉट इंटरेस्टेड उसके टांग पे लगी, कौन से टांग पे लगी, कितनी लगी, टांग बचेगी भी नहीं बचेगी, मामूली लगी क्या लगी। हाँ ये बात हो रहा है जनानी की कल्पना की, ये दिल हो पेशा तो इसलिए बेचारा कह रहा हो, बट एक जनरल बात कह रहा हूँ, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज सन और व्हाटएवर, दैट इज कोल्ड नेचर, राइट। उसके बाद है सेंटीमेंटल, वो तो खैर पहले बात हो चुकी है, सबसे ज्यादा कैंसर असेंडेंट या जिसका चंद्रमा लगन में हो, या स्कॉर्पियो असेंडेंट या पाइसेस असेंडेंट, ये जितने भी होंगे ये कौन होंगे, सेंटीमेंटल ज्यादा होंगे, आंसू कट देने। फिर है लूजिंग बैलेंस ऑफ माइंड, ये मैंने आपको पढ़ाया था, लिब्रा जो असेंडेंट होता है वो लूजिंग, उसका दिमाग बड़ी जल्दी आउट हो जाता है, उसको वो डिस्कस नहीं कर सकता बात, ठीक है ना। पांच आदमी हो सर, चार से बांटने हो, कैसे बटेंगे, बोले एक को गोली मार देता। अफगानिस्तान का मैथमेटिक्स का पेपर है, पांच आदमी चार सेवा कैसे बटेंगे, बोलेंगे गोली मार, ये एग्रेशन लूजिंग बैलेंस ऑफ माइंड, बड़ा जल्दी आप बातचीत करो, बात नहीं करते, लड़ने होते आप, ठीक है, वो लूजिंग कर। अब इसको हमने देखना कैसे है, दिस इज द मेन मैटर, एक कॉम्बिनेशन तो आ गए, लेकिन इसको हाउ टू यूज इट इज अ बिग इशू, बिग इशू भी है, स्मॉल इशू है, उसमें वही लगेगा फार्मूला, मैं हूं ना, हम बता दें। सबसे पहले फर्स्ट इज चेक असेंडेंट, असेंडेंट ये होता है, ये जो मैडम मुझे नली ये होता है, दिस इज असेंडेंट, ये जिस पे सात लिखा है यही होता है, चाहे इस पे सात लिखा हो, आठ लिखा हो, जो मर्जी लिखा हो, ये असेंडेंट होता है। पहले असेंडेंट को देखना, फिर चेक लॉर्ड ऑफ असेंडेंट, प्लेनेट इन असेंडेंट, फिर इसके बाद है ऑल प्लैनेट्स, फिर डीबी। पहले असेंडेंट देखना है, अब मैं समझा देता हूँ, असेंडेंट देखना है कौन सा है, कौन सा है, लिब्रा, सात लिब्रा, लिब्रा मतलब लूजिंग द बैलेंस ऑफ माइंड, लेकिन 60 करोड़ लोग लिब्रा के लिब्रा होते हैं, सारे तो आगरा में नहीं गए, तो जिनके ये प्लेनेट मंगल शनि और वीनस ठीक होंगे वो ठीक है, बैलेंस तो जल्दी और होते ही उनका, लेकिन इतने नहीं पागल नहीं है, गुजराती भी गुस्सा करता है लेकिन गोली नहीं मार सकते, अफगानिस्तान जाओ हिम्मत कब बच जाए, उसमें इतना गुस्सा होता है।
वो एक नेचुरल करेक्टरिस्टिक। तो लिब्रा जो है वो बैलेंस ऑफ माइंड आउट होता है, लेकिन अगर इसमें बैठे प्लैनेट या ये वीनस जो इसका लॉर्ड है वो अगर ठीक है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं। तो हमें चेक कर लो, मंगल शनि और वीनस चेक लॉर्ड ऑफ असेंडेंट एंड प्लैनेट इन असेंडेंट। प्लैनेट इन असेंडेंट कौन है? मंगल और शनि। मंगल क्या बता रहा है? 2168 डिप्रेशन, डिप्रेशन। ये मंगल में डिप्रेशन, अब शनि में भी डिप्रेशन, वीनस में नहीं, वीनस में 218 है, 6 नहीं, वो नहीं बताया। दो बुरे होने चाहिए, 6-8, 8-12 या 6-12, तभी गेम बनती, नहीं तो नहीं बनती। अब आ गया एग्रेशन, गुस्सा, शनि में गुस्सा भी है, वीनस में उतना नहीं है, शनि में है। इसका मतलब क्या है कि मंगल इसका डिप्रेशन देना है, शनि इसका एग्रेशन दे रहा है, डिप्रेशन भी दे रहा है। ये मंगल शनि जो हम यहां पर जांच रहे हैं वो गुस्सा भी दे रहे हैं और डिप्रेशन भी दे रहे हैं, लेकिन मंगल डिप्रेशन ज्यादा दे रहा है, शनि एग्रेशन ज्यादा दे रहा है। ये अगर किसी ज्योतिष के टीचर को कह दोगे तो वो तो आपको क्लास से बाहर निकाल देगा। तो मंगल डिप्रेशन देता है, शनि एग्रेशन देता है, यानी बोजनस मेथड पर आ जाओ। इट इज द कॉम्बिनेशन विच मैटर्स, प्लैनेट डजंट मैटर मच, मैटर करता है, अभी हम आगे आएंगे, लेकिन वो इतना काम नहीं करता जितना कॉम्बिनेशन करता है। आप इसके सारे प्लैनेट देखेंगे, ऑल द प्लैनेट्स हियर टू चेक। अगर एक दो प्लैनेट खराब है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, अगर मेजॉरिटी प्लैनेट खराब है तब उन्हीं के पीरियड्स चलेंगे, तभी दिक्कत आएगी। मैं अब कितने प्लैनेट ये एग्रेशन बता रहे हैं, केतु बता रहा है, सन बता रहा है, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। डिप्रेशन कितने बता रहे हैं? केतु, सन, मून, मार्स, राहु, शनि, जुपिटर। शनि में मार्स में मून क्या है? डिप्रेशन। शनि में भी डिप्रेशन है, मार्स में डिप्रेशन है, मून में भी डिप्रेशन, फिर भी वेरी मच डिप्रेस, वो लगेगा कि छोड़ दो जिंदगी, मर जाओ। इस तरह शनि राहु के अंदर भी यही हालत चलेगी, लेकिन इसको बाइपोलर डिजीज है, डिप्रेसिव भी है, अग्रेसिव भी है, और ये लविंग एंड केयरिंग भी है, प्यारा भी बहुत, उन्ना भी नहीं है। तो जैसे 211 2591 ये भी है। तो कभी ये गुस्सा कर जाएगा, कभी डिप्रेसिव हो जाएगा, कभी बड़े प्यार से बात। तो बेटी की शादी थी इसकी, मेरे को बुलाने आया था, ये समझ लो पहाड़ है, ये मिठाई का डब्बा है, ये ड्राई फ्रूट का डब्बा है, तुम आना है ब्याह से, तो तीन प्रोग्राम रखे ने, एक तो कारज, एक सगाई रखी है, एक ब्याह है, तीनों तो जाना है, तो तीनों का ब्लैक ब्लैकटॉप लगाऊंगा, तो ब्लैकटॉप बस समझ रहे। इसकी भावनाएं मुझे समझ नहीं आ रही है, बुलाना चाह रहा है, धमकाना चाह रहा है, डराना चाह रहा है, इस तरह से बिहेव करें। ये इसको आप असेस नहीं कर सकते ये कब क्या कर देगा, क्योंकि इसका ज्यादातर सभी प्लान में डिप्रेशन है, ज्यादातर सभी प्लान में एग्रेशन है। आज की कंडीशन बेहतर है, आज की कंडीशन क्यों बेहतर है? अब इसकी मरकरी की दशा शुरू होगी, मरकरी
इज कंपैरेटिवली मच बेटर. कोल्ड नेचर. कोल्ड की कोई बात नहीं यार. 5-9-11 पहले से बेटर है. डिप्रेशन नहीं है. कंपैरेटिवली बेहतर होगी स्थिति, लेकिन हालात अच्छे नहीं है क्योंकि ज्यादातर प्लेनेट अच्छे नहीं. ठीक है, एक और ले लेते हैं. एक चीज और इसमें देख लेते हैं. नेचर अलग चीज है. 5-8-12 वो अलग चलेगा. आप समझ रहे हो? अग्रेशन डिप्रेशन अलग चल रहा है, लव अफेयर अलग चल रहा है. और लव अफेयर में 5-7-8-12 है, उसमें कमर्शियल एंगल भी है, वो अलग चलेगा. नेचर अलग चलेगा, सब चीजें अलग अलग चलेंगी. ऑल आर इंडिपेंडेंट टू इच अदर. जब आप उसको देखोगे तो उसकी बात करना, मैरिज को देखने मैरिज की बात करना, नेचर है तो नेचर की. आप एक और दिखा देते हैं आपको. 17-7-55-0-2 तो इसका रिजल्ट जो लिखा इवेंट नॉर्मल रिजल्ट भी आ जाता है दिस सॉफ्टवेयर. But other one you showed it was like it was showing event हमने काफी सारे इवेंट इसमें डाले हुए हैं सॉफ्टवेयर में, ताकि वो उसके कॉम्बिनेशन आपको क्लियर कट नजर आ जाए. तो अभी आपकी क्योंकि शुरुआत है तो आपको देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. 216 से डिग्री रहा, ये आपको बिल्कुल एकदम हाईलाइट कर देगा. आगे आप करें तो बेहतर है आप इसको यूज ना करें. आप एज इट इज पर यूज करें. जब आप उसको पूरी तरह से इस सॉफ्टवेयर के साथ और इस सिस्टम के साथ बिल्कुल आपका तारतम्य बैठ जाए तब आप इसको यूज करें तो बेहतर. तब तक आपके को सारे कॉम्बिनेशन याद रहे. अब ऐसे में अगर मैं देखता हूँ क्योंकि मुझे सारे कॉम्बिनेशन याद है, मुझे इसकी सारी एक्सरे हो जाती है एक मिनट के अंदर. अब मैं यूं देखने के बाद मेरे को सब पता चल गया क्या कहानी है. इससे समय नहीं लगता क्योंकि आपको भी याद नहीं है तो आपको समय लगेगा. मुझे तो ऐसे देखे मेरे को पता चल जाती है क्योंकि मेरे को टाइम हो गया. आपके हाथ से अगर 100-150 पत्रियां निकल जाएंगी फिर आपके लिए भी बड़ा आसान होगा. ठीक है ना, जैसे स्कूटर चलाते क्या होता है, गियर डाला, जैसे एक्सीलेटर वो हो गया था, क्लच छोड़ा, स्कूटर बंद कर, और महीने डेढ़ महीने के बाद पता ही नहीं चलता क्लच कब दबाया, गियर कब डला, रेस कब. इस तरीके से लगन मिलने में इतने सेम 7,000 लेवल में सेम मदर्स कैन चेंज. लगन का मतलब प्लेनेट नहीं होता. अगर यहाँ 7-2 है तो यहाँ 2 ही रहेगा. अब ये वाली जन्म पत्नी देख लेते हैं. जन्म पत्नी में जो असेंडेंट है वो टॉरस. टॉरस का मतलब क्या है? स्थिर. अब फिक्स हम बताएंगे, फिक्स है यानी हिल तो नहीं रहा. अगर इसके अंदर ये डिप्रेशन एग्रेशन कुछ हो जाएगा तो हिलने लगेगा. फिक्स इमारत की भी जो चूल्हे हैं, ठीक है ना. तो इट इज 2-2 मीन्स वीनस 2-1-6-8 मून. मून इज 2-1-6-8-7-8-12 इसका मतलब ये दिमाग स्थिर नहीं है. नहीं, अब सारे प्लेनेट देख लेते हैं इनमें डिप्रेशन वगैरह. डिप्रेशन. एग्रेशन, एक
बाकियों में कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 7-8 है. 7-12 इज नॉट दैट बैड, 7-8-12 इज द मेन इशू. जब तक 2 या 8 और 12 साथ ना हो तब तक कोई बड़ी बात नहीं. नहीं सर मैं कह रहा हूँ मेनली 8-12 में बदमाश. 7 का तो कुछ पता नहीं हो तो मैरिज भी हो सकती है. 7 के साथ 8-12 होगा तो एग्रेशन, 7 के साथ 2-11 तो मैरिज. जैसे ये दोनों अलग अलग मुस्लिम है, मून के साथ मार्स रहा हूं, तो इसमें मतलब एग्रेशन है. इसमें बहुत कम है, 7-12 अलग है. अगर 8 भी आ जाए फिर तो इतना हो जाता है. 7-12 का पूरा मतलब ये है द पर्सन कैन किल अ पर्सन. उसके चंद्रमा में तो ऐसे आया. हाँ चंद्रमा में है, सिर्फ चंद्रमा में है तो फिर नहीं, कोई बड़ी बात नहीं. तो उस पीरियड में वो प्रॉब्लम, उस समय में प्रॉब्लम होगी, लेकिन 9 में से अगर एक प्लैनेट में है इज नॉट अ बिग इशू. जब तक वो मेजोरिटी में नहीं होता तब तक वो असर आता नहीं, क्योंकि आपको किसी भी काम के लिए दशा भी चाहिए, भुक्ति भी चाहिए, अंतर भी चाहिए. अगर तीनों में डिप्रेशन है, दशा में भी है, भुक्ति में भी, अंतर में भी है, देन द पर्सन विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सुसाइड. तीनों में दशा भुक्ति अंतर में आ जाएगी तो पर्सन विल थिंक ऑफ किलिंग समवन. सिर्फ अंतरे में 7-8 बार हैं थप्पड़ लगा देगा किसी को, थप्पड़ भी तो एग्रेशन है. किसी को गाली देना भी एग्रेशन है. पंजाबी के तो खून में है दीदी दीदी का, तो पंजाबी पूरी नहीं होती. बोले पंजाब वो तो खून में ही है. तो जब तक वो 10-12-15 बार एक सेंटेंस के अंदर 10-12-15 बार वो बोल नहीं लेते तब तक पंजाबी बस सेंटेंस खत्म ही नहीं होता सर. तो वो भी एग्रेशन है, लेकिन 7-8-12 विल किल अ पर्सन, इज कैपेबल ऑफ किलिंग अ पर्सन. बाद में कतल कराएंगे तो समझ ठीक है. तो इसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज्यादा है. क्यों? क्योंकि एक दो एक दो तीन चार पांच प्लैनेट इसके मेजोरिटी प्लैनेट डिप्रेशन बता रहे हैं. और ऐसी प्लैनेट की अगर पीरियड चलेगा सैटर्न जुपिटर राहु या मून तो भुक्ति और अंतर चल रहे हैं, तो इज टू मच इन टू डिप्रेशन. सर वैद्य के पास जाए तो कहेंगे ब्लीचिंग नंबर 3 है, उच्च का चंद्रमा लगन में है और रहने दो यार. आपने पिछली नहीं देखी, ध्यान नहीं किया, उसमें उच्च का शनि था भाई साहब, उसको छोड़ दो यार. ऊपर बैठे रहने दो, ऊंचे ही रहने दो उसको, हमारे पास मत लेके आओ. ऊंचे ही खत्म कर दे उसका मैटर कुछ नहीं यार. उच्च का निकलता कुछ नहीं, हमारे 7-8-12 से एग्रेशन निकलता है, 2-1-6-8 डिप्रेशन निकलता है. उच्च का कोई आगे कुछ व्हाट इज उच्च. ये कानपुर में पढ़ाने गया तो मैं कभी नीच का प्लैनेट काफी अच्छा नजर आता है. बोले कैसे? मैं वो जब सूरज नीच का होता है और चंद्रमा जो है वो अमावस्या का हो गया, तो अगर उस समय पे कोई शपथ लेता है तो वो राज्य काफी लंबा और अच्छा चलता है. तो क्या कह रहे हैं? मैंने तो कुछ और पूछा. नहीं बोले. नहीं नहीं आप दैट्स नॉट रिलेटेड टू दैट. वो कैसा पोजीशन प्लैनेट हो गया, रेड कलर में आ जाता है वो, छोड़ दो सर. अच्छा वो उसमें गलती पा गया. और अमावस्या हो उस समय पे कोई प्रधानमंत्री बनने की शपथ ले ले, राजा बनने की शपथ ले ले, प्रेसिडेंट बनने की शपथ ले ले, राज्य कैसे चलेगा? बढ़िया चलेगा या खराब चलेगा? फंक्शनल तौर पे तो वो बेनिफिट भी जा सकता है. पोजीशन के मुताबिक इन जनरल जो है जब कोई प्लैनेट नीच का हो तो खराब हो गया. अमावस्या का चंद्रमा खत्म, दोनों राजा रानी है. इस समय इस दिन जो है जो हिंदू लोग हैं वो दिवाली मनाते हैं, इसको कार्तिक अमावस्या कहते हैं. इस दिन राजा रामचंद्र जी राजगद्दी पे बैठे थे और राम राज्य इस दिन शुरू हुआ था. पता नहीं वैदिक ज्योतिष आपकी है क्या, मेरे तस्वीर से बाहर. वो बोले जी हमारे को पता है. मतलब तू बता दे. सिर्फ उसी आदमी ने ना जवाब दिया था. बोलता है इधर सूर्य नीच का भी ऊंच की तरफ जा रहा है. इसलिए इसलिए
रैकेट कुछ तो ना जैसे बढ़ता चांद ऐसे बढ़ता सूर्य जो मर्जी बोल देगा दे विल मतलब नहीं करता ऊंच मींस मूल त्रिकोण में है प्लैनेट मींस नीच का प्लैनेट मींस व्हाट मींस नथिंग इट डजंट गिव यू एनी इंफॉर्मेशन here at what combination and death they give her information that man you are into a depression you are passing through say mercury ketu period ketu is depression you are feeling depression yes you are feeling depression you have to finish if you are not feeling depression see I can't understand you this horoscope you can yehi to hamare paas raaste hai hamara teesra raasta koi nahi sir ek question hai इसे जैसे मान लो आया हमारे पास डिप्रेशन है इस लाइन को डिप्रेशन है तो ये इसका पीरियड कैसे पता लगा कि उसकी दशा आई दशा तो यू नो क्या वो दशा से तो देखना वो दशा ही तो है कि उस दशा में इसको डिप्रेशन है हाँ इससे होगा या होगा हो, है, है, या होगा जैसे अभी ये जन्म पत्री है अब इसमें मरकरी की दशा है चलेगी 11 दिसंबर 2014 में हाँ जी तो मरकरी की दशा चलते ही तो मरकरी में डिप्रेशन बहुत ज्यादा है तो मतलब दिस इज पॉसिबल इफ इट इज राहु कहीं से राहु अंतरे में या प्रत्यंतर में इन्वॉल्व हो जाता है देन ही कैन इसके लिए व्हाट रेमेडी वी शुड ही कैन कमिट अ सुसाइड बट इट शुड कम इन मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंड दो तीन में होता फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी मैंने ट्रांजिट भी कराना है आपको वो जब तक बैठता नहीं तब तक वो इतनी बड़ी बात नहीं थी रेमेडी बहुत ईजी रेमेडी का क्या तरीका वो दैट इज वेरी इजी जैसे ये 216 है तो इसमें क्या करते हैं सर ऐसा भी होगा अगर काफी सारे प्लैनेट में 216 आ रहा है डिप्रेशन आ रहा है तो हर एक प्लैनेट में जब वो पीरियड उसका आएगा तो डिप्रेशन से किसी किसी की किसी अलग चीज की वजह से होगा नहीं नहीं वो रीजन फॉर डिप्रेशन इज समथिंग डिफरेंट रीजन फॉर डिप्रेशन सर कुछ भी नहीं होता डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन होता है बस क्या नाम लिया था अभी हमने एक संजीव कुमार एक गुरुदत्त एक के अचल ये तीनों बेचारे किसी ना किसी गम में बेचारे मार गए दारू पी पी के और जो गुरुदत्त की बीबी थी गीता दत्त वो भी दारू पी पी के मर गई अब कितने लोग हैं जिनकी मैरिड लाइफ भी खराब हो जाती है एक से लव अफेयर छूटता दूसरे पे दूसरा लव अफेयर शुरू कर लेते हैं वो करना पड़ता है तो जिसका डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन होता है वो दिल पे ले ही लेगा भाई साहब कहीं से भी ले ले उसको तो लेना जिंदगी तो उतार चढ़ाव का गेम है साहब उतार चढ़ाव आने ही है जो डिप्रेसिव आदमी है वो किसी भी उतार को भी ले सकता है चढ़ाव को भी ले सकता है किसी भी तरीके से ले सकता है किसी और का लव फिर टूट जाए उससे भी उसको डिप्रेशन हो सकता है जरूरी नहीं अपने लव का यहां से ये पता नहीं चलेगा कि किस वजह से डिप्रेशन सर वजह तो बता देंगे अच्छा लेकिन कई लोगों के कई वजहें होंगी लेकिन उनको डिप्रेशन नहीं होगा मैं ये कह रहा हूँ कई लोग हैं जिनके बिजनेस ठप पड़ जाएंगे लेकिन फिर वो करोड़पति बन जाएंगे वो बोलेगा ठीक है यार जो हो रहा है सो हो रहा है भूटानी से बात करते बैठ के कितने लाख का घाटा कल हम गिन रहे थे भूटानी में कितने लाख का घाटा दे रहा है बोला चल यार दारू पीने यार तो चलते रहना दूसरा बंदा था वो तो हो जाएगा स्पिरिचुअल पूरा डिप्रेशन होना चाहिए सर तो डिप्रेशन हो लेगा सर कैसे भी होगा वो कहीं से भी कैच कर लेता सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ ठीक है अब ये बात होगी अब एक और पत्री दिखा देते हैं आपको रेमेडी हाँ रेमेडी बड़ा है सर वो मैं बताता हूँ तरीका उसका ये जैसे क्या होता है जैसे किसी की जन्म पत्री है जैसे अब उसमें केतु है केतु में अगर 216 8 5 8 2 1 11 9 1 6 8 3 ऐसे अब इसमें डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन आएगा अब इसको एक केतु का पीरियड आएगा इसको डिप्रेशन होगा अब इसकी रेमेडी क्या है उसकी रेमेडी क्या है ऐसे में खत्म डिप्रेशन खत्म हो गया एक रबड़ पेंसिल बस कपड़ा साथ में लेगा चमत्कारी कपड़ा है चमत्कारी कपड़ा अंग्रेजी किताब है उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी
इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ फ्रॉम मंजू वन। सर ऐसे फीस रख ली थी मेरी किसी ने, कहने लगा मैंने कहा जेल जाने की हो गए, कहता है वो तो मैंने भी बताया, तू कुछ जो चीज आप कुछ नया बताओ कोई रेमेडी, मैं कुछ रेमेडी नहीं यार जाना तो पड़ेगा, कहता है फिर मैं क्या फीस, कहते फिर फीस का दी जब जेल ही जाना पड़ गया, बताओ बताओ सर एक किताब है अंग्रेजी की ऑटोबायोग्राफी होगी, उसके अंदर परमहंस योगानंद जी लिखते हैं अ चाइल्ड, मतलब अंग्रेजी बोलो भाई बीच में रोक के उम्र कोई पहाड़ा होता है ना दो एकदम दो दिन चार दो अच्छे बीच में रोक ले से फिर दो अट्ठे पूछोगे तो फिर मैं दो एकदम दो दिन रोकूंगा रोकना। उसमें उन्होंने लिखा है चाइल्ड इज बॉर्न ऑन द डे एंड दैट आवर बाय द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल का, बच्चा तब पैदा होता है उस समय पैदा होता है उस मिनट घड़ी पैदा होता है जब उसके पूर्व कर्म उस प्रकार से हो कि प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बने जिससे उसको पूर्व जन्म के हिसाब से अगले जन्म पूर्व जन्मों का कर्म आगे मिले, आगे मिले का मतलब पूर्व जन्म का कर्म अगले जन्म में मिले, क्योंकि चाइल्ड के बर्थ की बात हो रही है, उसके बीच की बात ही हो रही है। चाइल्ड इज बॉर्न ऑन द डे एंड दैट आवर एंड द सेलेस्टियल रेज इन मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल कर्म, कौन से इंडिविजुअल कर्म जो पूर्व जन्म के किए थे, तो ऐसे ही मिलेगा। उसके बाद वो लिखते हैं इस हॉरोस्कोप इज अ चैलेंजिंग पोर्ट्रेट विच रिवील्स द अनअल्टरेबल पास्ट एंड प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट्स। अनअल्टरेबल पास्ट, पास्ट कैन नॉट बी अल्टर्ड बट प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट, प्रोबेबल है फ्यूचर रिजल्ट, फ्यूचर रिजल्ट प्रोबेबल क्या आएंगे उसके बाद कि जो डिप्रेसिव होगा बंदा उसको बोले आप सत्संग में बैठिए, दारू की बोतल लेके मत बैठिए, दारू की बोतल लेके बैठ रहे हैं तो आप अनूप उठाई जी के साथ बैठिए, लेकिन फील तो आए कम से कम दारू की बोतल लेके बैठे, टेंशन नहीं है, हाँ टेंशन नहीं। तो सत्संग में बैठेंगे तो आपको दिखेगा क्या हो रहा है, उसमें आपकी इंप्रूवमेंट होगी। आप डिप्रेसिव लोगों के साथ बैठेंगे और आप डिप्रेस हो जाएंगे, खुश दिल लोगों के साथ बैठेंगे तो सत्संग का मतलब ये नहीं कि भजन करने बैठे, मतलब अच्छी संगत जो पॉजिटिव सोचते हैं लोग उनके साथ बैठिए। आप देखिए लोगों में कितना काम है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है आप चले जाओ हॉस्पिटल देख के और लोगों को कितना काम, आप बहुत पॉवर्टी में चले गए आप कहते नुकसान हो गया फलाना हो गया, जब आप पंगों के पास जिसके हाथ नहीं है पैर नहीं है देख के देख कोई आदमी आपको इस तरह से मॉरल बूस्ट करे, ये नहीं कि उसको वहाँ ले जाओ बोले उनके दुख क्यों और डिप्रेस हो जाए ये ना हो जाए, लेकिन आप अपने से नीचे के आदमी को देखो तो आपको फील होगा। तो ये मतलब प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट पॉजिटिव कर्म करो, दारू के अड्डे में बैठोगे तो जाके दारू ही मिलनी है ना, ठीक है तो बदल नहीं सकते यार। देखो युवराज आप भाषण भी सुनते हो सब कुछ सुनते हो, आप देख रहे हो कि उसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता तो उसका मेंटल लेवल है, उस मेंटल लेवल उसको कुछ नहीं हो सकता, तो जान नहीं हो सकता उसका, हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं कुछ कर सकता होता तो मैं पहले अपनी जिंदगी बदलता, मैं ज्योतिषी पढ़ानी थी साहब, कोई काम नहीं करता तेरे काम है बड़े ज्योतिषी पढ़ानी, ठीक है ना। अब आ गए एक दूसरी और उसको नॉर्मल बंदे की और उसको आपको नॉर्मल बता चाहते हैं, क्योंकि ऐसे भी औरत को पाएंगे जहां पर हमारे को बोलने को कुछ नहीं होगा। ये डिप्रेशन, देयर इज नो डिप्रेशन, एग्रेशन, वीनस मार्स, एक है दो में, ठीक है लव पर नॉर्मल,
तो अब इसको ना गुस्सा आ रहा है ना कुछ आ रहा है, आपने मतलब कुछ नहीं करा, बट नॉर्मल आदमी है, आप जाओगे आराम से बैठोगे, आराम से बैठोगे, गपशप मारो ना, आ जाओ ना गुस्सा ना कुछ। तो ऐसी भी औरत खुश होंगी, कहने का मतलब है कि दो या एक प्लेनेट में कुछ डिप्रेशन भी आ जाए या दो एक में अग्रेशन भी आ जाए तो उसको आप लोग ज़्यादा महत्व नहीं देना, ये नॉर्मल है। कभी ना कभी तो उदास हो ही जाएगा बंदा, यार मेरा नुकसान हो गया, कोई बंदा खुश हो ही जाएगा, ठीक है। मेजॉरिटी में अगर चीज़ हो जाएगी तो वो फिर लाइफ का पैटर्न हो जाएगा, फिर वो लाइफ का पैटर्न हो जाएगा, उसके लाइफ का पैटर्न। इसके बाद है कुंडली मिलान, ये लास्ट चीज आ रही मोर और लेस, कुंडली कैसे मिलाएं। सर किसी लड़की की शादी करानी हो तो कैसा हस्बैंड होना है, कैसा हस्बैंड ढूंढना चाहिए उसे। सर जी बंद करके दोबारा।